गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मेरे पास इस समय कई लोगों से प्रश्न आ रहे हैं कि उनके पौधों की पत्तियां समय से पहले पीली हो रही हैं या फिर समय से पहले ही झड़ जाती हैं और पौधों की ग्रोथ बराबर से नहीं होती, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आज मैं दोस्तों उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। हम लोगों ने एक प्रयोग किया था। पहले आपको दिखा दूँ कि मेरे सामने तीन पौधे रखे हुए हैं। इनमें देखिए, इनकी पत्तियां लगभग थोड़ा थोड़ा पीली पड़ गई हैं, ना तो इनमें साइनिंग है ना इनकी ग्रोथ बराबर हो रही है। और मेरे बगल में एक ये पौधा रखा हुआ है, इसकी पत्तियों की साइनिंग देखिए और ये पूरी पत्तियां ग्रीन है। दोनों पौधों की पत्तियों का आप कंपेयर करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस पॉट वाली पत्तियों में साइनिंग है और पूरी हेल्थी दिख रही हैं, लेकिन इस पॉट की पत्तियां थोड़ा सा बीमार टाइप की दिख रही हैं और हल्की पीली भी पड़ने लगी हैं। दोस्तों, इसका कारण होता है कि पौधों को पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम प्राप्त नहीं होता है और मैग्नीशियम से पत्तियों का पीलापन कम होता है और उनमें साइनिंग बरकरार रहती है। तो पौधों के लिए मैग्नीशियम की भरपाई करने का सबसे अच्छा स्रोत अपने घरों पे ही मौजूद है, जिसको हम लोग एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। दोस्तों, मैंने इस पॉट में 10 दिन पहले एप्सम सॉल्ट का यूज किया था, इस पॉट में एप्सम सॉल्ट नहीं डाला था। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इस पॉट की पत्तियां जिसमें एप्सम सॉल्ट डाला था वो किस तरह से साइन कर रही हैं, और जिसमें एप्सम सॉल्ट यूज नहीं किया था उसकी पत्तियां वैसी की वैसी ही हैं। तो अब मैं बाकी सारे ये जो तीन एक्स्ट्रा पॉट रखे हुए हैं इनमें भी एप्सम सॉल्ट डालने वाला हूँ और देखिएगा 10 दिनों में इनमें भी इसी तरह की साइनिंग आ जाएगी और पीलापन खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के पौधे में भी इस तरह की समस्या है जिसमें पत्तियां समय से पहले पीली हो रही हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, तो आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे आपको मैं बताने वाला हूँ कि एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना कैसे है। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास करीब एक चम्मच एप्सम सॉल्ट है जिसको मैं एक छोटे से डिब्बे में डाल लेता हूँ और इस डिब्बे को पानी से भर देते हैं। एप्सम सॉल्ट पूरी तरह से इसमें जब घुल जाएगा तो ये जितना पानी है उसको हम ये तीन पॉट में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे। और दोस्तों, एक बार एप्सम सॉल्ट यूज करने के बाद आप अगली बार एप्सम सॉल्ट ठीक एक हफ्ते बाद और यूज कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि 10 दिन में रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। तो अगर आपको और भी कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप समस्या लिखकर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसका आपको सोल्यूशन दे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको और नई नई जानकारियां देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और एक नई जानकारी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक बाय बाय दोस्तों।